तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो आज मैं आया हूँ अपने एसी का वर्कशॉप बोलूँ, गोदाम बोलूँ या कबाड़खाना बोलूँ, तो वहाँ पे आया हूँ मैं आज। तो एसी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इधर आकर के हम थोड़ा रेंट वाला एसी को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचा मैं आप लोगों को मैं अपना ये क्या बोलते हैं वर्कशॉप दिखा दूँ, या फिर क्या बोलूँ इसको मैं, यार मैंने कोई नाम ही नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा एसी रखा हुआ है, हेलमेट भी बहुत सारा है, टूल वगैरह बहुत सारा है, और एक एसी को हम तैयार भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और वीडियो से ले वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या बोलते हैं, अब गर्मी आने वाला है, फरवरी का महीना चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो अब धीरे धीरे गर्मी आ जाएगा, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 17 तारीख है, 17 फरवरी है, तो मार्च बस मार्च आने वाला है, मार्च में फिर काम तो स्टार्ट हो जाएगा। कल मुझे एक एसी जाना है करने के लिए, क्या बोलते हैं कि वहाँ पे 2 विंडो AC है, उसका सर्विस करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ जाना है। तो उससे पहले मैं आया हूँ टूल बैग संभालने के लिए, क्योंकि हम गीजर का काम कर रहे थे, तो पूरा जो टूल वगैरह है कुछ गीजर वाला टूल में भी रखा हुआ था, जैसे कि गीजर का ये मेरा बैग है, तो मैं जब काम पे जाता हूँ ना तो ये वाला बैग लेकर के जाता हूँ, ठीक है। तो इस बैग में कुछ सामान निकालना है, फिर आके मुझे अपना बैग रेडी करना है। चलो दिखाता हूँ, और आप लोग भाई को सपोर्ट करो यार। बाकी मेरा ये फेसबुक का पेज है, तो आप लोग जाकर के इसको लाइक या फॉलो कर देना, जो भी है। बाकी मुझसे बातें करना हो तो मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, अगर के मुझसे बातें कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं गीजर का जो एलिमेंट होता है ना सेकेंड हैंड यानी पुराना वाला, ठीक है, तो वो पुराना वाला जो एलिमेंट होता है ना उसे मुझे मार्केट में बेचना है, और मार्केट में बेचना है, और मुझे आप लोगों को बताऊंगा कि वो कितने में बिका है, ठीक है। तो टोटल होगा 10 किलो के आसपास, तो 1 किलो 200 रुपये का बिकता है, ठीक है, 1 किलो 220 रुपये का। तो चलिए देखते हैं उसमें कितना रुपये मिलेगा। उससे पहले मैं अपना ये गोदाम दिखा देता हूँ लोगों को। तो देख सकते हो यहाँ पे एक इंडोर का हम तैयार कर रहे हैं, कूलिंग कोयल है, ठीक है। और ये मेरा ये 2 टन का एसी है वाला, और इसके पीछे भी 2 टन का एसी है, बाकी ये वो दोनों इंडोर है, नीचे में भी इंडोर है, ऊपर में भी इंडोर है, इसके ऊपर में भी एक इंडोर है, ठीक है। तो ऊपर वाला का जो कवर वर खुला हुआ है ना, वो ये वाला रेडी हो रहा है, ठीक है। ये मेरा विंडो एसी है एक, बाकी 2 विंडो AC ये रखा हुआ है, हाँ, और उसका PC भी रखा हुआ है। बाकी वो देखो हेलमेट वगैरह कैसे रखा हुआ है, पूरा 4 हेलमेट वहाँ पे है, और कुछ हेलमेट तो इसके ऊपर में, इसके ऊपर में बहुत सारा सामान है, दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये एलिमेंट वगैरह ये देखो, मैं इस एलिमेंट की बात बोल रहा था जो दिख रहा है, ठीक है। बाकी PC भी रखा हुआ है, एक गीजर रखा हुआ है एक, और बाकी इधर बहुत सारा सामान है, इसके अंदर क्या बोलते हैं कोपर वगैरह है, और बाकी ये बैग है एक टूल बैग, और वहाँ पे इंडोर का जो प्लेट होता है ना हैंगिंग प्लेट वो वाला है, बाकी ये सर्विस कवर है जो कि अर्बन कंपनी से हम खरीदते हैं, अर्बन कंपनी फ्री में नहीं देता, कस्टमर लोगों को लगता है कि फ्री में देता है। ये मेरा सर्विस बैग है जो कि इसमें जेट पंप है, बाकी ये मेरा गीजर देखो यहाँ पे, तो एक गीजर वो रहा, 2 गीजर ये रहा, एक ऊपर में एक नीचे में, 3 हो गया, चौथा गीजर ये रहा, ठीक है। बाकी गीजर का बहुत सारा सामान इसके अंदर, मेरे मेरे टूल बैग के अंदर में है इसके अंदर। बाकी ये मेरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिलेंडर है, देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी हम इसी का यूज करके इसको वेल्डिंग करेंगे। और दोस्तों एक कंप्रेसर, इससे हम प्रेशर डालते हैं, देख सकते हो यहाँ पे बना रखा है हमने, अच्छे से दिखाता हूँ सभी को। देखो यहाँ पे इसमें बीच में ना ये वाला, ये पकड़ने के लिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, बाकी वो सब सिस्टम लगा रखा है हमने, और इसके अलावा एक और ये रहा, देखो पकड़ने के लिए कैसा है ये देखो, तो पकड़ने के लिए एकदम सही है ना। बाकी ये कैपेसिटर ये पैकिंग टेप के अंदर लगा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है कैपेसिटर यहाँ पे, बाकी ये ढक्कन वक्कन लगा हुआ है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन गया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास रेंट पे लगाने के लिए 3 AC ये रहा, और 2 AC हो रहा, 5 AC है, 8 किलो 750 8 किलो 700 ग्राम। तो हमने एलिमेंट बेच दिया दोस्तों कबाड़ खाने में, कबाड़ खाना नहीं है ये, किसी इलेक्ट्रिशियन का दुकान है, इसी भाई साहब का दुकान है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2,2200 रुपये मिलेगा, और असेंबली जो था दोस्तों, जो गीजर का असेंबली होता है, वो 400 रुपये किलो था, ठीक है। तो वो सब मिला करके मतलब 2,200 रुपये का हमें ये एलिमेंट हमने बेचा है, सेकेंड हैंड बोलूँ या कहा बोलूँ जो भी है, पर 2,200 रुपये का ही बिका है, ठीक है। तो कैसा है ये एलिमेंट का प्राइस बताइए। 5 AC मुझे रेंट पे लगाना है, 5 AC मेरा ऑलरेडी रेंट पे लगा हुआ है, जिसमें से 2 AC तो एक ही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक एक एसी को मैं दिल्ली में लगाने की सोच रहा हूँ, तो उसका मैं तैयार कर रहा हूँ, इसी महीने में लगाऊंगा। 2 AC सोच रहा हूँ लग जाए इसी महीने रेंट पे, तो सही रहेगा यार, ठीक है, 10 AC लग जाएगा, बाकी सीजन आएगा तो और भी AC मैं खरीदूंगा रेंट के लिए, किराए के लिए। और मुझे आत्मनिर्भर बनना है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो इसीलिए, क्योंकि क्या
क्योंकि कंपनी उंपनी के साथ भाई आप कब तक करोगे, पता नहीं कब आपका आईडी ब्लॉक हो जाए, कुछ रीजन से बंद हो जाए, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो भाई तो पूरा मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अपने दम पे ही काम करें मार्केट के अंदर, किसी कंपनी के सहारे नहीं। कंपनी लोग जो जो नया नया रूल लेके आते हैं, थोड़ा उससे प्रॉब्लम होगा, और देखते हैं इस साल कैसे जाता है। और अर्बन कंपनी में भी देखना पड़ेगा कि इस साल मेरा सीजन कैसे जाएगा, क्योंकि एक दिन में वो 4 लीड कर दिया है, मेरा रेंट पे एसी वीसी भी लगा हुआ है, और एक तरफ अर्बन का ऑटोमेटिक लीड एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको पता नहीं मैं कैसे डिलीवरी करूंगा, मालूम ही नहीं मुझे, पता नहीं आईडी बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है इस साल, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इसमें एक लीकेज मिला है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर बाय बोलता हूँ। यहाँ पर लीकेज दिखाता हूँ मैं, ये देखो बबल आ रहा है ना, है ना, तो ये लीकेज है, अभी इसको हम वेल्डिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।